आज हम सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ एन चैप्टर नंबर सिक्स विद्युत प्रेरण का सिक्स पॉइंट थ्री नंबर क्वेश्चन जिसमें हमको दे रखा है एक लंबी प्रणालिका जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में पंद्रह फेरे हैं के भीतर दो सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबत रखा गया है यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड में दो एम्पियर से चार एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के दौरान प्रेरित बदक बल कितना होगा तो यहाँ हमें क्षेत्रफल दे रखा है दो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम दे रखा है ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड ए की वैल्यू है हमारे पास टू सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो टू इन टू टेन टू दावर माइनस के फोर यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर टाइम की वैल्यू दे रखी है समय का मान दे रखा है जीरो पॉइंट वन सेकेंड और जो वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन है ये हमारा दो से चार एम्पियर है मतलब यहाँ पे चार माइनस दो दो एम्पियर का यहाँ परिवर्तन होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है प्रणालिका की प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर फेरों की संख्या है वो है पंद्रह तो यहाँ पे हमको एन का मान दे रखा है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ हमारा मान है फिफ्टीन टर्न पर सेंटीमीटर ये इसका यहाँ पे मान दे रखा है और अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ पर मीटर में करूँ तो फिफ्टीन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो माइनस का टू और जब यहाँ से इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं अंश में ले जाते हैं तो एन की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे पंद्रह सौ और यहाँ से हम ये जानते हैं फराडे के नियम से कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का जो मान होता है वो प्रेरित मद भाग बल के बराबर होता है और यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो होता है हमारा बी ए और प्रणालिका के लिए लंबी प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर और यहाँ से ए का इंटू करते हैं तो ये हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स और यहाँ से फाइव का मान रखते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे हो गया ई इक्वल टू हो गया डी अपॉन डी टी और यहाँ हो गया म्यू नॉट एन आई इंटू ए जब यहाँ से कॉन्स्टेंट निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू बाहर करते हैं ये हुआ हमारा म्यू नॉट एन इंटू ए और अंदर बचा हमारा डी आई अपॉन डी टी ये हमारा वैद्युत भाग बल निकालने का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में जो हमारी वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे ए की वैल्यू हो गई टू इंटू टेन टू दावर माइनस का फोर म्यू नॉट की वैल्यू होती है फोर पाई फोर पाई का मतलब हो गया तीन दशमलव एक चार एन की वैल्यू हो गई यहाँ से पंद्रह सौ और धारा परिवर्तन का मान हो गया यहाँ पे दो एम्पियर समय का मान हो गया यहाँ पे जीरो पॉइंट वन पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ाते हैं और यहाँ से हो गया हमारा मान ट्वेंटी का इंटू फोर से इंटू करेंगे तो एट्टी अस्सी अस्सी का टू से इंटू किया तो एक सौ साठ वन सिक्सटी और इंटू थ्री पॉइंट वन फोर और यहाँ हो गया फिफ्टीन हंड्रेड पावर हो गई माइनस के फोर और इन तीनों का इंटू करने के बाद में यहाँ पे मान आता है जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव फोर टेन टू दावर माइनस का फोर इसकी पावर और जब ये पॉइंट को अगर हम राइट right साइड में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस की पावर बढ़ जाती है और इसका मान आता है सेवन पॉइंट फाइव फोर टेन टू दावर माइनस के सिक्स इतने वोल्ट या फिर हम इसको लिख सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव फोर माइक्रो वोल्ट यही इसका आंसर है इतना प्रेरित बल उत्पन्न होता है